इधर करंट से हुई युवक की मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने नवागढ़ के जांजगीर केरा मुख्य मार्ग पर शव रखकर धरना दिया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इन परिजनों का कहना है कि खेत मालिक संतोष साहू ने अपने खेत से लगे गौठान की बाउंड्री में बिजली सप्लाई की और वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भी मृतक के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। सर वो लोग ना वो मतलब बिजली लेके गए थे खेत, नाम बताओ। साहू पूर्व सरपंच थे और सोनू साहू है, मैं उनको शायद नहीं जानता हूँ। उन लोग लेके गए थे घर अपने पानी पलो निकले खेत में, तो वहीं अब अभी दो दिन पहले हवा कर रहा था, दो चार दिन पहले की बात है, तो जो उसमें बांस वास में खेत गिर गया था बांस वगैरह, तो करंट जो है पानी में खेत में चला गया और उन लोग लाइट वाइट था, चाचा सुबह गए शायद करंट में फंस के वो हो गए चाचा, और पूरा अभी रिपोर्ट वोट आ गया है कि करंट सही है करके, कल बिजली विभाग भी आए थे उन लोग भी चेक किए हैं कि करंट सही है कर करंट आ रहा था उसमें, और अभी यहाँ भी हो गया है कि पोस्टमार्टम में पीएफ रिपोर्ट आया नहीं है। सर हम लोग उसके लिए राशि मांग रहे हैं कि चाचा के भी कोई नहीं है उसके पास, आसपास में कोई बोलने वाला नहीं है, हम लोग हैं बस, अभी जो केस है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस केस हो गया है बस, पुलिस विभाग कुछ नहीं कर रही है अभी ना, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो रहा है बस, इसीलिए हम लोग बैठे चाचा कुछ कुछ होगा कोई।